मॉर्निंग गाइस. तो आज मैं जा रही हूँ आगरा. हो गया है मेरा बैग पैक, आई एम ऑल सेट. अब निकलूंगी घर से, स्पाउडी को थोड़ा टाटा कर दूँ. ये दिस इज द सैडेस्ट पार्ट कि स्पाइडी को टाटा करना. बट एनी वे स्पाइडी को टाटा कर देती हूँ. स्पाइडी के दोनों बहन उसके साथ रहने वाले हैं, सो दैट्स द ओनली कंसोलेशन. कम स्पाउडू, आ जा टाटा करते हैं. Spidey will be a good boy. Spidey will stay with Didi and Radu. Mama will be back in 2 days. And Spidey will be very good boy. So, chale chalte hain. Ab cab book karte hain and then we'll be ready to go love. So, let's go. तो ये हम आ पहुँचे हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट, दैट इज़ T1. हम आ गए हैं अभी. चलो फटाफट चलते हैं. सब कुछ हो गया है, चेक इन तो करना नहीं था बैग, क्योंकि छोटू सा बैग है. सो आई विल टेक इट इनसाइड द कैबिन. तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो इनसाइड, डू द सिक्योरिटी चेक एंड देन वेट फॉर आगरा के लिए. तो चलो फटाफट मैं एक पफ ले लूँगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो कुछ खाना नहीं है. मैं घर से खा के आई हूँ, बट देन प्लेन में बैठ के कुछ ना खाऊँ ना तो थोड़ा सैड फील होता है. तो इसीलिए एक पफ ले लिया कि मैं प्लेन में बैठ के खाऊँगी, क्योंकि सब लोग खाएंगे मैं नहीं खाऊँगी, दैट डजंट लुक गुड, है ना. वो देखो प्लेन उड़ के जा रही है. तो चलो चलते हैं. अभी द मोमेंट आई गेट अ कॉल आई शुड बी रशिंग टू द एयरक्राफ्ट. वेटिंग, आई एम डाइंग टू सी ताजमहल. मेरा बचपन का सपना आज पूरा होने वाला है. वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. सही है, ये देखो सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और मैं वेली वेल्लागिरी कर रही हूँ. तो चलो आई थिंक मेरा एक सेकेंड, हाँ फ़ोन आ रहा है. ओके, तो मेरा फ़ोन आ गया है फ्रॉम इंडिगो, सो आई नीड टू रश. चलो चलो चलो, सब लोग चले गए चले गए. मैं इधर बैठ के क्या ही कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, फिर भी पता नहीं चला. तो चलो लेट्स गो इनसाइड द एयरक्राफ्ट. आई थिंक आई एम द लास्ट वन की पता नहीं क्या है. सो नहीं, अभी ये भी है. तो चलो चलते हैं, बैठते हैं एंड लेट्स गो टू आगरा. ओके, सो वी आर बोर्डेड द फ्लाइट एंड वी आर ऑफ टू आगरा. तो चलो चलते हैं आगरा. बहुत देर तक वी वर सिटिंग, आई डोंट नो वेदर वी कैन हियर मी. Later. और ये हम पहुंच गए हैं आगरा का खेड़िया एयरपोर्ट. और यहाँ पे अभी उतरते ही हमको कुछ नहीं मिलेगा. देयर विल बी नो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज आगरा इज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट मिलिट्री बेस. तो इसके वजह से इट इज अबाउट फ्रॉम 2-2.5 kilometers अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, जहाँ पे आपको आपका ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा. सो फ्रॉम द एयरपोर्ट टिल दिस प्लेस यू हैव टू कम बाई दिस बस. ये जो इलेक्ट्रिक बस है, इसी में आपको लेके आएंगे. एंड दे चार्ज 50 rupees पर हेड, विच मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ज़बरदस्ती हो जाता है, क्योंकि यू डू नॉट हैव एनी चॉइस. सो ये आ गया है हमारा, हमारी गाड़ी आ गई है और अब हम जा रहे हैं इनसाइड द आगरा सिटी. इनफैक्ट अभी हमने सोचा कि एयरपोर्ट से सीधा होटल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा लेट हो जाएगा. पहले हम जाके देखेंगे आगरा फोर्ट और फिर उसके बाद हम होटल जाएंगे. बट देन अभी आगरा आए हैं तो सुना है बहुत ज़्यादा आगरा के चाट के बारे में, तो पहले जाते थोड़ा सा चाट खाते. तो चलिए चाट पार्टी कर लेते बिफोर वी सी द आगरा फोर्ट. चलिए आप मेरे साथ. और ये हम आ गए हैं आगरा के फेमस देवीराम स्वीट्स, जो कि है एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक. तो हमने सोचा यहाँ पे आके थोड़ा सा कचौरी खाएंगे और लस्सी पियेंगे, क्योंकि सुना है बहुत फेमस है. तो चलिए चलते हैं अंदर जाके देखते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है. तो ये देख लीजिए, दिस इज़ द फेमस दुकान. बट दुकान में सब कुछ है पर मुझे जो चाहिए वो नहीं है, दैट इज़ कचौरी. कचौरी सुबह दोपहर को 1 बजे तक मिलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है. और हम लोग जो आए हैं बहुत लेट हो गया है, सो नो कचौरी, हार्ड लक. देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसके बाद किधर खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ समोसा मिल रहा है. समोसा नहीं खाना है मुझको, मेरे को तो एसिडिटी का इश्यूज़ है, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव समोसा. तो चलो चलते हैं, मे बी आगरा फोर्ट ही चले जाएंगे, क्या ही करें. ओके, तो अब हमारा जो ड्राइवर साहब है उन्होंने हमको यहाँ पे सरदार मार्केट लेके आए हैं. तो सरदार मार्केट इज़ ओपन फ्रॉम 5 PM, पर उन्होंने बोला कि कुछ भी मिल जाए आपको आप खा लीजिए, क्योंकि फिर आगरा फोर्ट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो इसीलिए हम आ गए हैं सरदार मार्केट. देखिए दिस इज़ पॉइंट 2
ऑफ आगरा विच इज वर्थ सीइंग. तो दिस इज सदार मार्केट. वापस हम जरूर आएंगे. ये है सदार मार्केट इन द आफ्टरनून. आई थिंक अभी कितना बज रहे हैं, अराउंड 2:45. सो दिस इज अगरवाल चाट हाउस, दिस इज आगरा चाट हाउस, सब चाट 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 चाट. तो चलो हम भी थोड़ा सा पानी पूरी खा लेते फिर उसके बाद जाएंगे आगरा फोर्ट, क्योंकि और तो वैसे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. ये था अगरवाल चाट हाउस का गोल गप्पा, हमने खा लिया है. कुछ खास नहीं था, मतलब मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा. इट्स ओके, बट यस, अगर इफ़ यू आर अ रियल डाई हार्ड चाट लवर तो आप ज़रूर आइएगा, खाइएगा. मैं शाम को आके वापस खा के फिर आपको रिव्यू देती हूँ. एज ऑफ नाउ ठीक है, नथिंग खास. बट ये देख सकते हैं द गली इज़ एब्सोल्यूटली डेड. सो जैसे हमारी ड्राइवर साहब ने बताया कि 5 बजे के बाद आने पे ही इधर मज़ा है. तो चलिए चलते हैं आगरा फोर्ट, फिर हम वापस आएंगे टू सी द एक्चुअल चहल पहल ऑफ द प्लेस. ओके, सो अ लिटिल चेंज इन प्लान. हम लोग अभी जाएंगे होटल फर्स्ट, जाके वहाँ पे थोड़ा फ्रेश होके फिर जाएंगे आगरा फोर्ट, जो कि हमारे होटल से जस्ट 2 किलोमीटर्स, तो टाइम नहीं लगेगा. तो फटाफट जाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर जाते हैं आगरा फोर्ट. बट दिस सिटी इज़ रियली वेरी नीट टाइडी, बहुत अच्छा सिटी है. मुझे लगा था थोड़ा सा मे बी इट विल नॉट बी दैट नीट, बट नहीं, बहुत ही सुंदर रास्ते हैं, ब्यूटिफुल, वेरी वेरी नाइस. आई एम सुपर इम्प्रेस. तो चलो पहुँच गए होटल, फटाफट जाते हैं और फिर तैयार होके निकल जाएंगे फॉर आगरा फोर्ट. तो चलिए एक झलक आपको दिखा देते हैं हमारा होटल का रूम. एंड यस, अगर आपको ये होटल का डिटेल चाहिए तो आई हैव मेड अ सेपरेट व्लॉग फॉर द सेम. वहाँ पे आप देख सकते हो द होटल, इट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटिफुल होटल. आपको अगर रहना है तो आप आके रह सकते हो, क्योंकि सच में बहुत ही सुंदर है, पॉकेट फ्रेंडली होटल है एंड एकदम 2 किलोमीटर में है आगरा फोर्ट, ताजमहल, सब कुछ. तो कोई डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है एंड क्या बताऊँ मैं, लोकेशन इज़ ब्यूटिफुल. सो ऑल टुगेदर एवरीथिंग इज़ रियली रियली नाइस. सो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आके ज़रूर रह सकते हो. और फॉर दैट यू कैन ऑलवेज रेफर टू माय एक्सक्लूसिव व्लॉग ऑन मर्क्यूरी. अरे ओके, तो यहाँ पे ना एक देयर इज अ कैफे एंड वी हैड चाय. मुझे आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय चाय. मैं कोई भी चाय नहीं पी सकती, तो मैंने यहाँ पे इन लोगों को बोला कि मुझे स्ट्रॉन्ग जिंजर टी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क इफ यू कैन सर्व. एंड दे सर्व्ड मी दिस स्ट्रॉन्ग जिंजर टी एंड इट वॉज अमेजिंग. इतना ही अच्छा था कि मैंने एक सेकेंड पॉट भी मंगवा लिया. इट वॉज जस्ट अमेजिंग. अगर आप लोगों को भी जिंजर टी स्ट्रॉन्ग अच्छा लगता है तो प्लीज़ अगर आप इधर आ रहे हो डेफिनेटली ट्राई इट. तो चलो अभी चलते हैं, फटाफट रूम देख लेते हैं और फिर निकल पड़ेंगे फॉर आगरा फोर्ट. बट येस, आगरा फोर्ट विल बी कमिंग अप इन माई नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा हो गया है. सो आज के लिए इतना ही. और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है आपको, आप लोगों को मेरा व्लॉग. और नेक्स्ट दैट इज़ ऑन थर्सडे वी आर गोइंग टू कम अप विथ आगरा फोर्ट. तो मिस नहीं करना है, ज़रूर देखिएगा आगरा फोर्ट, बहुत ही सुंदर फोर्ट है. सो ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर वंस अगेन फ्रॉम आगरा. अरे हाँ, तो जाने से पहले मैं देखो आप लोगों को 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ अबाउट आगरा बता दिया है. नंबर 1 इज़ आगरा का जो एयरपोर्ट है वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. आपको उन लोगों का जो बस है वहाँ से बस लेके बाहर तक आना पड़ेगा, 50 रुपया दे के पर हेड. एंड देन आप अपना खुद का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो ले सकते हैं. नंबर 2 मैंने आप लोगों को देवीराम स्वीट दिखा दिया है, जो आपको ज़रूर जाना चाहिए व्हेन यू आर इन आगरा. नंबर 3 मैंने आप लोगों को क्या दिखाया, सदार मार्केट, राइट, यस. तो सदार मार्केट दिखा दिया है विच इज़ नंबर 3, जहाँ पे जाके आप चाट वगैरह खा सकते हो. और ये देखो नंबर 4, ताजमहल का झलक दिखला जा.
कर दिया मैंने आप लोगों को। तो ऑन दैट नोट अगेन वंस अगेन बाय बाय। और ये देखो ताजमहल के सामने मेट्रो भी दिखा दिया, कितना कुछ आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया है ये वाले व्लॉग में और आने वाले व्लॉग में। जैसे मैंने आप लोगों को अब भी बताया था थोड़ी देर पहले कि आगरा फोर्ट दिखाएंगे। सो डू स्टे ट्यून्ड ऑन थर्सडे आगरा फोर्ट ऑल योर वे। सो बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब।